तारीख 31 जुलाई 2023 के रोज महाराष्ट्र के पालघर में चलती हुई जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई थी। ये ट्रेन जयपुर से मुंबई जा रही थी, जिसमें मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल हैं। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने पहले एएसआई को गोली मारी और फिर अन्य 3 यात्रियों पर फायरिंग कर दी। गोली मारने वाले आरोपी चेतन कांस्टेबल को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। जांच पड़ताल के बाद बताया जा रहा है कि कांस्टेबल मानसिक तनाव से ग्रसित था। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को ध्यान से सुने कि आरोपी कांस्टेबल क्या कह रहा है। इस घटना में मरने वाला असगर अली नाम का एक व्यक्ति जो जिला मधुबनी बिस्फी प्रखंड के पड़वत्ता गांव का रहने वाला है, जो अपने पीछे रोते बिलखते परिवार 4 लड़की 1 लड़का 1 बहन और मां को छोड़कर दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। वे अपने परिवार के साथ जयपुर में रहते थे और काम की तलाश में मुंबई जा रहे थे। उसी सफर के दौरान दरिंदों ने गोली चला दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है और आज इन्हीं परिवार से मिलने पहुंचे जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव। माँ को कुछ करने की, माँ कहाँ इधर आई? हमारा सर्वोच्च न्यायालय दुनिया में सबसे मूल्य और आदर्श और अध्यात्म पर चलने वाला सर्वोच्च न्यायालय। हमें लगता है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय को पाकिस्तान के न्यायालय से भी कमजोर करने का प्रयास किया है, जो कभी नहीं होगा। इसीलिए अब वक्त आ गया है, जो घटना मुंबई में हुई, जो 4-4 लोग नफरत के शिकार हुए, जिन लोगों ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर, क्या समाज में अब कोई दलित कमजोर मीना माइनोरिटीज के लोग जो भी जिस अब जैसे मणिपुर में ढूंढ ढूंढ करके ईसाइयत को मारा जा रहा है, दो समूह कर दिया गया, बेटियों को नंगा करके बलात्कार समूह किया जा रहा है समाज के भीतर। यह इतिहास बीजेपी और इस सरकार ने रची है, कहीं मणिपुर कहीं जयपुर कहीं हरियाणा गुड़गामा, डर लगता है क्या कोई जीने का राइट अब है या नहीं। सारी विचारधारा इस देश की खत्म हो जाए और सिर्फ आरएसएस की विचारधारा सिर्फ जिंदा रहे और उस विचारधारा के संविधान बना दिए जाए, बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को मिटा दिया जाए, हमारी लोकतंत्र जो गीता कुरान बाइबिल के प्रेम के आधार पर बनी, क्या उसको मिटा दिया जाए और आरएसएस के किताबों से नफरत का आधार चुन लिया जाए। इसीलिए हम आज आए हैं
हम सभी जगह जाएंगे। हमने इस परिवार की थोड़ी मदद की है ताकि वो कुछ रोजगार कर सके। एक बहन चारों बेटियों की शादी मैं अपनी बेटी की तरह करने का निर्णय लिया है। इस यहाँ के जिला परिषद मुखिया जी, हमारे पार्टी के नेता, इस ब्लॉक के प्रमुख, एक महीना पहले जब शादी निकाल लगेगी तो हमारी ओर से उस परिवार के लिए निकाह के लिए 50,000 रुपया, 50,000 हर बेटी के लिए, हम अपनी बेटी की तरह उसकी निकाह करवाने का निर्णय ले लिया और ये मैं करूँ। कहाँ रहता था पहले? जयपुर रहता था, बॉम्बे जा रहा था। क्या हुआ, किस तरह से क्या हुआ था वो बताइए। नौकरी के तलाश में जा रहा था। उनके परिवार में कितने लोग हैं? 5 है, 4 लड़की 1 लड़का, बहुत छोटा लड़का है। तो परिवार कहाँ है उनका? जयपुर। और यहाँ घर में कितने लोग हैं? घर में है 5-6 आदमी। आप कौन लगती हैं इनके? अम्मा। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद सनाउल्ला। जी क्या घटना घटी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये घटना जो है बहुत शर्मनाक घटना है, और वैसे इस घटना में हम कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ इतना बात कहना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से इस परिवार का जो है मदद किया जाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके बच्चों की जो है शिक्षा का, उसके बच्चों की पढ़ाई का, उसके बच्चों के जो है रहने सहने का, खाने पीने का, सारे का उसका निज़ाम जो है सरकार की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाए। आप कौन लगते हैं इनके? मैं उनके भाई लगता हूँ, छोटा भाई हूँ मैं, मोहम्मद सनाउल्ला। ये कहाँ रहते हैं और कहाँ जा रहे थे? ये रहते थे जयपुर में। जयपुर में काम मंदा होने की वजह से जी ये जो है मुंबई जा रहे थे, कि मुंबई से फ़ोन आया था काम करने के लिए, कि यहाँ पर जो नौकरी के लिए आ रहे हैं, तो नौकरी के लिए फ़ोन किया था उन्होंने कि यहाँ पर जो है नौकरी की जगह खाली है, आप आ जाइए, आपको जो जगह मिल जाएगी। तो ये इसी तलाश में जो जा रहे थे, वो रास्ते में जाकर के बोलावड़ी जो है स्टेशन है, वहाँ जाकर के जो है 5:23 इनके साथ वारदात हो जाता है जी। तो ये ऑफिसर के चेतन जो है ऑफिसर है उसके द्वारा ही हुआ है ये। और इसके अंदर जो है मरने वाले जो 4 हजरात हैं, जिसमें से जो है 3 मुसलमान हैं और 1 सियाती है जी। तो उसमें सरकार द्वारा अब तक कोई सहायता मिली आपको? सरकार की स्टेट सरकार से जो अपनी गवर्नमेंट जो है बिहार सरकार से अभी कोई सहायता नहीं मिली है।